नमस्कार, मैं हूं मुरारी सिंह। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में चुनावी बिगुल बजने के बाद उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के बोरीवली विधानसभा में जिस तरीके से राजनीति देखी जा रही है, कहना गलत नहीं होगा। और शायद एक वजह यही थी कि शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े को बीजेपी ने टिकट नहीं दी। शायद इस इलाके में विकास कार्य नहीं था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जीत पाएंगे। लेकिन सीधा मुकाबला कुमार खिलारे जी, जो कांग्रेस से हैं, वो यहाँ पर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार करते हुए, सर किस तरीके का समर्थन मिल रहा है आपको जब प्रचार के दरमियान निकल रहे हैं, और क्या कुछ समस्याएं आपको दिख रही हैं? पहली बात तो यहाँ का मैं स्थानिक हूँ और मुझे सुनने में आया कि यहाँ पे जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो वर्ली से आए हुए हैं। इसके पहले जो रामनेक, बहुत सालों से रामनेक का मैं आदर करता हूँ, क्योंकि हम हमारे फैमिली पारिवारिक संबंध है उनसे, वो भी गोरेगांव से आए हुए थे। इन्होंने इतने साल राज किया, बाद में उसके बाद विनोद तावड़े जी आए, वो पार्ला से आए गए टाइम से, और अभी जो वर्ली से आए हैं राणे करके, मैंने नाम सुना है कैंडिडेट कोई है करके। तो मुझे लगता है कि बीजेपी में कोई सक्षम, इतने अच्छे, काफ़ी सक्षम कॉरपोरेटर है वहाँ पे, और बहुत सारे लोग दावेदार थे, उनको मौका नहीं मिला, उनको नहीं मिलके उन्होंने वर्ली से ढूंढा है। और उनका मैंने सुना उनके बारे में, अभी मैं कुछ जाहिर बोलना ठीक नहीं है, मगर वो लोगों से जुड़े नहीं इतना मैं बोलना चाहता हूँ। और पहला विनोद तावड़े जी के पास जाने के लिए यहाँ से 200 रुपये जाते थे रिक्शा के, मतलब 200-400 रुपये। आज वर्ली जाना है तो आपको 1000 रुपये लेके जाना ही है, और 500 रुपये अगर खाना है तो वो साथ में रखना है। आप सीपी के नेता हैं, सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है और आपके सहयोगी पार्टी से जिस तरीके से उम्मीदवारी उतारी गई है? हम इस समय वातावरण बहुत अलग है, आपने खुद देखा कि विनोद तावड़े को टिकट नकारा गया, और इसलिए नकारा गया क्योंकि उसने विकास नहीं किया। ये आदमी, हर आदमी बोलेगा कि विकास नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। इसीलिए कांग्रेस ने एक क्लीन छवि का, जमीन से जुड़ा हुआ, शिक्षित, स्थानिक उम्मीदवार दिया है कुमार खिल्लारे, और इसको पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट है, आगाड़ी का सपोर्ट है। हमारे राष्ट्रवादी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार कर रहा है और परिवर्तन लाएगा, और परिवर्तन लाना है। अरे जी के प्रचार में जिस तरीके से एनसीपी के कार्यकर्ता उतरे हैं, जो जन समर्थन देखा जा रहा है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में 21 तारीख को वोटिंग होगी, जबकि 24 तारीख को महाराष्ट्र के भाग्य का फैसला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ मुरारी सिंह, एनएम न्यूज, मुंबई। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।